Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. In the last lecture, we have started first chapter of our chemistry, which name was periodic classification of elements and periodicity. और उसमें हमने डिस्कस किया था कि साइंटिस्ट ने किस तरीके से डिफरेंट वर्क्स करके हमें ये पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड किया था और किस तरीके से पीरियोडिक टेबल बना था, कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट बेसिस पर अरेंज किया था और हमें पीरियोडिक टेबल मिल गया था. तो आज का हमारा टॉपिक है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. आज हमने इस पीरियोडिक टेबल को थोड़ा डिटेल के अंदर स्टार्ट करना है कि जो हमारे पास प्रेजेंट में पीरियोडिक टेबल है जिसको हम स्टडी करते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है. तो ये हमने सब आज डिस्कस करना है. डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट वर्क्स के साथ जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया वो कुछ इस फॉर्म में था. इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था. अब हमने आज इस फॉर्म को अच्छे तरीके से पढ़ना है कि कैसे एलिमेंट्स इस टेबल के अंदर अरेंज हुए हुए हैं. तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि जब हमने हिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया तो मेंडलीव का जो काम था वो हमारे बहुत काम आया. उसने एलिमेंट्स को, उसने बस जो बड़ी गलती की उसने ये किया था कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेस की बेस पर अरेंज किया गया था. तो उसकी बेस पर हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आया था. लेकिन फिर उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट की गई थी, उसके बाद फिर हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया जिसकी बेस पर आज हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस करता है. तो वो ये था कि एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर. यानी कि एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया है. इस तरीके से अरेंज किया गया है कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम फर्दर मूव करते हैं. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि इंक्रीज करना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, असेंड करना. तो नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है. फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है. इट मींस 6 इसका क्या है? एटॉमिक नंबर. इसी तरह जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रेजेंट होंगे प्रोटॉन, वो उसका क्या कहलाएंगे? एटॉमिक नंबर. तो इस एटॉमिक नंबर की बेस पे, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस की बेस पर एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया गया था. इसके अलावा एक बात जो मैं आपको बता दूं कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था एटॉमिक मैसेस की बेस पर, लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे, जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो अरेंज है हमारे पास एटॉमिक नंबर की बेस पर. ऐसा क्यों है कि एटॉमिक नंबर की बेस पर पीरियोडिक टेबल ज़्यादा अच्छा क्लासिफाई हो गया या ज़्यादा अच्छा अरेंज हो गया? वो इसलिए है बेटा कि एटॉमिक नंबर के अंदर एक ग्रेजुअल इंक्रीज था, मींस के एक तरतीब के साथ इंक्रीज था. 1 के बाद 2 था, 2 के बाद 3 ही था. लेकिन एटॉमिक मास में ऐसा नहीं था, उसके अंदर थोड़ी वेरिएशन थी, तरतीब के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी थी. इस वजह से एटॉमिक नंबर को एज अ बेस चूज किया गया और इस बेस पर, फिर इसकी बेस पर पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया. तो आज के टॉपिक के अंदर हम जो पीरियोडिक टेबल के जो फीचर्स पढ़ेंगे वो हैं ग्रुप्स एंड पीरियड्स एंड फैमिलीज. ये दो चीज़ें हम आज पीरियोडिक टेबल की डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स को. बेटा जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम थियाँ उनको सेम वर्टिकल कॉलम्स के अंदर अरेंज कर दिया गया था. वो सेम वर्टिकल कॉलम्स जो थे उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं. द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस इन द वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स. अब वर्टिकल मीन्स, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वर्टिकल का मतलब होता है कि अगर आप खड़े हैं तो यू आर इन अ वर्टिकल कंडीशन और अगर आप लेटे हैं तो यू आर इन अ हॉरिजॉन्टल कंडीशन. तो जो वर्टिकल कॉलम है मीन्स के अपराइट कॉलम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, वो क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स कहलाते हैं. मज़ीद एक्सप्लेन आपको इस पिक्चर से मैं करती हूँ कि देखें, इस पिक्चर के अंदर जो
टॉप टू बॉटम है, इस एरो से आपको आइडिया होगा, जो टॉप टू बॉटम है यानी कि वो कॉलम जो खड़े हैं, यूं कह सकते हैं कि वो कॉलम जो खड़े हैं वो हमारे पास क्या हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं और इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। और इसके अंदर एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले रखे गए, इस बात का मतलब ये है कि जितने एलिमेंट एक ग्रुप के अंदर हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप की बात करें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं, इसलिए इनको एक ग्रुप के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मिलती होंगी। ओके, तो अब ग्रुप्स हमारे पास टोटल हैं कितने? टोटल हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं और जिनकी नंबरिंग हम रोमन में करते हैं, रोमन के अंदर इसकी नंबरिंग करते हैं 1 से लेकर 8 तक। टोटल 8 ग्रुप्स हैं और इनको हम लोग रोमन काउंटिंग से मेंशन करते हैं। ठीक है, तो 8 ग्रुप्स हैं, 1 से लेकर 8 तक रोमन काउंटिंग के अंदर मेंशन करते हैं। और इन 8 ग्रुप्स को फर्दर 2 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है और ये सब ग्रुप हैं ए एंड बी सब ग्रुप, ए एंड बी सब ग्रुप। तो हमारे पास यूं कह सकते हैं कि हमारे पास 8 ए ग्रुप्स हैं और 8 बी ग्रुप्स हैं। टोटल वो 8 ही हैं लेकिन एक ग्रुप को आगे 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, तो यूं कह सकते हैं कि हर ग्रुप के आगे 2 पार्ट्स हैं। एक को हमने ए का नाम दिया है, दूसरे को हमने बी का नाम दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास 8 ए सब ग्रुप्स आते हैं और 8 ए 8 बी सब ग्रुप्स आते हैं। ए और बी सब ग्रुप्स के एलिमेंट्स को डिफरेंट करने के लिए उनको डिफरेंट नेम दिए गए हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी। तो 8 ए जो ग्रुप्स हैं उनके एलिमेंट्स को हम नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। इसके अलावा हम 8 बी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। 8 बी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब हमें पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे पता चलेगा कि इसमें से ए ग्रुप वाले कौन से हैं और बी ग्रुप वाले कौन से हैं? वो हमें ऐसे पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर दोनों साइड्स पर जो है वो है हमारे पास ए ग्रुप और पीरियोडिक टेबल के सेंटर के अंदर बी ग्रुप को प्लेस किया गया है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बी ग्रुप के अंदर जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के सेंटर में रखे गए हैं। दोनों साइड्स पर ए ग्रुप है, आधा ए ग्रुप, हाफ ए ग्रुप जो है वो बी की एक साइड पर है और हाफ ए ग्रुप बी की दूसरी साइड पर है। हाफ नहीं कह सकते लेकिन हम यूँ कह सकते हैं कि ए का कुछ पार्ट बी से पहले आता है और ए का कुछ पार्ट बी के बाद आता है। ठीक है, तो ए ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप्स हैं वो बी से पहले हैं और 3 to 8 जो ग्रुप्स हैं वो बी के बाद हैं। इसके अलावा जो B1 to 8 ग्रुप्स हैं वो पीरियोडिक टेबल के सेंटर के अंदर प्लेस होते हैं। तो इस तरीके से ए और बी ग्रुप्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियड्स। अब वर्टिकल कॉलम्स को हम लोगों ने कहा था ग्रुप्स, तो हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। पीरियड्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे ग्रुप्स को समझाने के लिए वर्टिकल एरो लगाया था, तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल एरो आपको शो कर रही हूँ। इस तरीके से अगर आप लेटे हुए हैं तो आप हॉरिजॉन्टल हैं, तो ये हम यूँ कह सकते हैं हमारे पास जो लेटी हुई लाइनें हैं वो क्या हैं? हॉरिजॉन्टल रोज हैं। या फिर जो लेफ्ट टू राइट रोज हैं वो क्या हैं? हॉरिजॉन्टल रोज हैं और इनको हम पीरियड्स का नाम देते हैं। हमारे पास टोटल जो है पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया है और इनको हम अरेबिक काउंटिंग के अंदर नंबरिंग करते हैं। 1 to 7 अरेबिक काउंटिंग के अंदर हम इसकी नंबरिंग करते हैं। हमने ग्रुप्स की नंबरिंग रोमन में की थी और इसकी नंबरिंग हम अरेबिक में करते हैं ताकि हम पीरियड्स को ग्रुप से डिस्टिंग्विश कर सकें, पीरियड्स को ग्रुप से अलग पहचान सकें और सिंपल सिर्फ नंबरिंग से हम बता सकें कि यहाँ पर ग्रुप की बात हो रही है या पीरियड्स की बात हो रही है। अगर रोमन काउंटिंग लिख कर बात की गई है मतलब क्या है? ये ग्रुप की बात है। और अगर अरेबिक काउंटिंग लिख कर बात की गई है मतलब क्या है? ये पीरियड्स की बात है। फिर है हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड है,
उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टू एलिमेंट्स होते हैं, ये सबसे शॉर्ट पीरियड होता है और इसके अंदर टू एलिमेंट्स हैं और वो टू एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, अब हमने पीरियड्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है। मैंने आपको बताया कि टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, तो अब उन 7 पीरियड्स को हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि 7 पीरियड्स के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स हैं और कैसे कैसे अरेंज हुए हुए हैं। तो फर्स्ट पीरियड की बात हमने ये पढ़ी कि इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड और थर्ड पीरियड। सेकेंड और थर्ड पीरियड के अंदर हमारे पास 8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये 8 के 8 जो एलिमेंट्स हैं आपको ए ग्रुप के अंदर नज़र आ रहे हैं, जो हमने पोर्शन डिस्कस किया था कि ये पोर्शन ए सब ग्रुप का है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स ए सब ग्रुप से लिंक्ड होते हैं। तो सेकंड और थर्ड एलिमेंट्स जो से के सेकंड और थर्ड पीरियड के जो से एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं और ए सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा हर 8वां जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिजेंबल करती हैं, मीन्स के हर फॉर एग्जांपल जो पहला एलिमेंट है उसके बाद जो 8वां आने वाला एलिमेंट्स है वो उसके नीचे आएगा, तो वो उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम और बेरियम जो होते हैं हमारे पास सेकेंड पीरियड के अंदर, इनकी प्रॉपर्टीज़ सोडियम और मैग्नीशियम से मिलती हैं, क्योंकि लिथियम के बाद 8वें नंबर पर अगर हम बेरियम से काउंटिंग स्टार्ट करें तो 8वें नंबर पर सोडियम आती है, तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती हैं, ठीक है। इसी तरह बेरियम के बाद जो अगर हम 8 एलिमेंट्स को गिनें तो मैग्नीशियम की बारी आती है, तो मैग्नीशियम और बेरियम की प्रॉपर्टीज़ आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। तो लिथियम और बेरियम की प्रॉपर्टी, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज सोडियम और मैग्नीशियम से मिलती हैं। इसी तरह बोरोन और एलुमिनियम की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मिलती हैं और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की +3 होती है। सेम फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए है कि फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मिलती हैं और वो एक दूसरे के साथ रिजेंबलेंस रखते हैं, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट के साथ मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर हमारे पास फर्स्ट 2 एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसके बाद 3 से लेकर 12 एलिमेंट्स ट्रांजिशन होते हैं और 13 से लेकर 18 एलिमेंट्स दोबारा से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो टोटल हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें से 8 एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव हैं 2 बी ग्रुप से पहले और 6 बी ग्रुप के बाद, और 10 एलिमेंट्स हमारे पास ट्रांजिशन है जो कि बी ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम नंबर 3 टू नंबर 12। अब हमने ये डिस्कस किया था कि सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को हर 8वें एलिमेंट के बाद रिपीट करते हैं, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को हर 18th एलिमेंट के बाद रिपीट करते हैं, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट के बाद जो 18 नंबर पर एलिमेंट आता है उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से रिपीट करती हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर 18वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ रिजेंबलेंस रखता है, और ये किसके केस में है, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के केस में है। और फॉर एग्जांपल जो पोटाशियम है उसकी प्रॉपर्टीज़ रुबिडियम से मिलती हैं, और जितने एलिमेंट्स मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ इन सब का एटॉमिक नंबर साथ मेंशन किया हुआ है आपकी बुक में, वो आपने अच्छे से याद करना है क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी एलिमेंट का आपसे एटॉमिक नंबर पूछ सकते हैं, जैसा कि पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और रुबिडियम का एटॉमिक नंबर है 37। नेक्स्ट इज पीरियड नंबर 6। जो 6 पीरियड है इसके अंदर होते हैं 32 एलिमेंट्स। 6 पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट थे और उनको हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, और 6 पीरियड को भी हम लॉन्ग पीरियड ही बोलते हैं। और 6 पीरियड के अंदर टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं, वो कैसे, फर्स्ट 2 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नेक्स्ट 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड नेक्स्ट 6 अगेन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये होते हैं टोटल 18। इन 18 के अलावा इस
पीरियड का कुछ पार्ट बॉटम के अंदर, पीरियोडिक टेबल की बॉटम के अंदर प्लेस किया गया है, इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड ग्रुप। इसको हम लेंथेनाइड इसलिए बोलते हैं कि ये जिस एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं, यानी कि नंबर वन पे जो लेंथेनाइड की लाइन के अंदर जो नंबर वन पर एलिमेंट्स हैं वो लेंथेनम से स्टार्ट होता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57। तो इस पीरियड को हम लेंथेनाइड बोलते हैं, और ये सिक्स पीरियड का पार्ट है, सिक्स पीरियड का हिस्सा है। इनको बॉटम पर रखने की रीज़न ये है कि अगर हम इनको पीरियोडिक टेबल के अंदर प्लेस करते तो पीरियोडिक टेबल विड्थ के अंदर बहुत लंबा हो जाना था और उसको एक पेज पर मेंशन करना बहुत मुश्किल हो जाना था। इस वजह से किसी और प्रॉपर्टीज़ की बेस पर, जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, इनको पीरियोडिक टेबल के बॉटम के अंदर प्लेस कर दिया, लेकिन ये सिक्स पीरियड का पार्ट है। तो 18 एलिमेंट्स और 14 लेंथेनाइड्स, ये सब मिलकर 32 एलिमेंट्स सिक्स पीरियड का पार्ट है, और सिक्स पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की स्ट्रेंथ 32 है। नेक्स्ट है पीरियड नंबर 7। 7 पीरियड को हम लोग इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए वो प्लेस किए जाते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट 2 एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं, उसके बाद 3 से लेकर 12 तक 10 जो है इसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। 2 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं, 10 इसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा 14 इसके अंदर एक्टिनाइड्स होती हैं, जिनको नीचे लेंथेनाइड्स के साथ प्लेस किया गया है, क्योंकि ये जिस एलिमेंट से स्टार्ट होती हैं उसको हम एक्टेनम बोलते हैं, और उसका एटॉमिक नंबर होता है 89 होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो इस पीरियड को हम एक्टिनाइड्स बोलते हैं, और इनको भी बॉटम पर रखा हुआ है जैसा कि लेंथेनाइड्स को रखा हुआ है। अब मैंने आपसे कहा कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को पीरियोडिक टेबल की लेंथ को कम करने सॉरी विड्थ को कम करने के लिए बॉटम में किसी और प्रॉपर्टी की बेस पर अलग करके रख दिया गया। अब किस प्रॉपर्टी की बेस पर अलग किया गया, वो है इनकी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बेस पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को दो तरह के एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया, एक है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट और एक है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ऊपर ही प्लेस किया गया, मींस के बी सब ग्रुप में, और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे इनको हमने बॉटम पर प्लेस कर दिया, और इनको हमने लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड फैमिली का नाम दिया। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को 7 पीरियड के अंदर अरेंज किया है, 7 के 7 पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है। तो ये जो अब आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम की हम बात कर रहे हैं, ये हम आगे फर्दर इसी चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस बेस पर इनको आउटर बोलते हैं और किस बेस पर इनको इनर बोलते हैं, और इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते क्यों हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिर्फ इनका नेम याद करना है कि जो बी सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और इनको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आउटर वालों को हम ऊपर प्लेस करते हैं और इनर वालों को हम नीचे बॉटम में प्लेस करते हैं। तो इस तरीके से 7 पीरियड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट पीरियड के अंदर हमने डिस्कस किया कि सिर्फ इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड और थर्ड के अंदर 8 थे, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर 18 थे, उसके बाद सिक्स के अंदर 32 एलिमेंट्स थे, और सेवन के अंदर कोई काउंटिंग नहीं मेंशन की गई क्योंकि ये इनकम्प्लीट ग्रुप है। नेक्स्ट है इसके अंदर, मैंने आपसे कहा था कि हमने ग्रुप्स और पीरियड्स के अलावा हमने इसके अंदर फैमिलीज डिस्कस करनी है। अब आपने जब ये नोटिस किया होगा कि जब हम इसके रोज और कॉलम्स को डिस्कस कर रहे थे, यानी कि पीरियड्स और ग्रुप्स को डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ पार्ट को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया, कुछ को हम लोगों ने लेंथेनाइड्स का नाम दिया, कुछ को एक्टिनाइड्स का नाम दिया, कुछ को रेयर अर्थ एलिमेंट्स का नाम दिया। सॉरी, रेयर अर्थ के बारे में मैं आपको बताना भूल गई, ये जो एक्टिनाइड्स हैं इनकी अमाउंट बहुत कम है, तो ये बहुत कम अवेलेबल होती हैं, इसलिए इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमेंट्स को डिफरेंट नाम दिए गए हैं। तो हमने पीरियोडिक टेबल की स्टडी को मज़ीद आसान करने के लिए साइंटिस्ट ने हमारे लिए क्या किया है, उसकी डिफरेंट फैमिलीज बना दिए, मतलब कि किसी ग्रुप या पीरियड को कोई स्पेसिफिक नाम दे के उसको वो फैमिली का नाम दे दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट ए ग्रुप है उसको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कलीज
बनाती हैं, काफ़ी रिएक्टिव अल्कलीज बनाती हैं, जिसकी वजह से इसको हम लोग अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देती हैं, अल्कली देती हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज देती हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम जो है, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करे तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अल्कली देता है और साथ हाइड्रोजन गैस को इल्यूमिनेट करता है। उसके बाद सेकंड ए जो ग्रुप है, इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये जो उनसे एलिमेंट्स हैं, ये ज़्यादातर हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि ये ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट में से निकल रहे हैं। उसके बाद है सेवंथ ए ग्रुप। सेवंथ ए ग्रुप है, इनको हम हेलोजन्स बोलते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स जो होती हैं वो इसके अंदर प्लेस की होती हैं, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हेलोजन्स कहलाते हैं। और हेलोजन्स का जो वर्ड है, इसका जो मीनिंग है वो साल्ट फॉर्मिंग से रिलेटेड है, इसलिए इन सारे के सारे एलिमेंट्स को हम हेलोजन्स बोलते हैं। फिर है एट ए ग्रुप, सॉरी यहाँ पर सेवन ए मेंशन किया हुआ है, ये है एट ए ग्रुप। इसके अंदर नोबल गैसेस हैं, यानी कि इस फैमिली को हम नोबल गैसेस का नाम देते हैं, इस फैमिली को हम नोबल गैस बोलते हैं। मज़ीद आपको क्लैरिफाई इस पिक्चर से हो जाएगा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट ए ग्रुप को क्या नाम दिया गया है, अल्कली मेटल्स, सेकंड को दिया गया है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसके बाद जो बी सब ग्रुप है उसको नाम दिया गया है ट्रांजिशन मेटल फैमिली, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि बी ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन वाली फैमिली है वो यहाँ पर मेंशन की गई है, इसका फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है, इस बेस पर इसको ऑक्सीजन वाली फैमिली बोल देते हैं, ये मैंने पीछे डिस्कस नहीं किया और आपकी बुक में भी मेंशन नहीं है, तो इसलिए इट्स ओके। इसके अलावा हेलोजन फैमिली है, जो कि क्या है, सेवंथ ए ग्रुप है, इसके अंदर सारी की सारी हेलोजन्स हैं और ये साल्ट फॉर्मिंग के अंदर हेल्प करती हैं, इसलिए इनको हम हेलोजन फैमिली बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नोबल गैस फैमिली, इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नोबल गैस हैं, सारी की सारी नोबल गैसेस हैं। और नोबल गैसेस को हम पीछे पढ़ चुके हैं कि नोबल गैसेस वो होती हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल होता है, इस वजह से इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है, इनका आउटर मोस्ट शेल फिल होता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस फैमिली बोलते हैं। इसके अलावा हमने नीचे बॉटम के अंदर देखा कि लेंथेनाइट सीरीज़ को अलग कर दिया गया सिक्स पीरियड में से, क्योंकि ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स थी बाकी एलिमेंट्स के अलावा, बल्कि इनकी जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिलती थी सिक्स पीरियड से, तो ये सिक्स पीरियड का ही पार्ट है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी की बेस पर इनको हमने लेंथेनाइट्स का नाम दे दिया और बॉटम के अंदर प्लेस किया है। इसके अलावा जो सेवन्थ पीरियड था उसका कुछ पार्ट नीचे रखा गया है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिनाइट सीरीज़ या एक्टिनाइट फैमिली, तो इस तरीके से, क्योंकि ये एक्टिनम से स्टार्ट होते हैं, इस तरीके से एलिमेंट्स की फैमिलीज़ बना दी गई हैं पीरियड के अंदर। अब हम एक फैमिली को, मतलब हम एक वर्ड से पूरे का पूरा ग्रुप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रुप को अगर हम अलग से डिस्कस करें तो हम फर्स्ट एक ग्रुप भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एलिमेंट्स को मेंशन करना पड़ेगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, मतलब कि मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अल्कली मेटल फैमिली बोल रहे हैं या अल्कली मेटल्स बोल रहे हैं तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जाता है कि ये फर्स्ट ग्रुप की बात हो रही है। इसके अलावा हम यूँ कह सकते हैं कि हमने अल्कली मेटल फैमिली बोल दिया, इसका मतलब ये उन मेटल्स की बात हो रही है जो अल्कली बनाती हैं। इसके अलावा अल्कली अर्थ मेटल्स की बात कर दी तो ये उन मेटल्स की बात हो रही है, वो अल्कली मेटल्स हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलती हैं, तो मतलब कि क्या, सेकेंड ग्रुप की बात हो रही है। तो इस तरीके से हमारी स्टडी आसान हो जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल की स्टडी को फैमिलीज, ग्रुप्स, पीरियड्स के अंदर डिवाइड करके हमारी स्टडी को आसान कर दिया गया। आप खुद सोचिए, अगर एलिमेंट्स को एक ही जगह पर प्लेस कर दिया जाता तो उनकी स्टडी बहुत मुश्किल हो जानी थी। अब हमारे पास ये एलिमेंट्स रिपीट करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को। फॉर एग्जांपल हमने पीछे डिस्कस किया था कि लिथियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज सोडियम और मैग्नीशियम से मिलती हैं, तो मतलब ये है कि अगर हमने लिथियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं तो इसका मतलब क्या है, हमने सोडियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। थोड़ा बहुत ही इनके अंदर डिफरेंस होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का खास तौर पर इनके अंदर डिफरेंस होता है, तो बाकी प्रॉपर्टीज़ इनकी एक दूसरे के साथ
मिलती जुलती हैं। इसके अलावा हम जो फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे उनके अंदर, इनके अंदर किस तरीके से वेरिएशन आती है, क्या क्या होता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो आपको मज़ीद आइडिया होगा कि पीरियोडिक टेबल ने किस तरीके से हमारी हेल्प की। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और बच्चे, ये पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री की बेस है और आपको ज़ुबानी आना चाहिए, तो अभी से याद करना स्टार्ट करें। और एक एक पीरियड या एक एक ग्रुप, मुझे तो वैसे अलोंग द ग्रुप याद करना आसान था, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरीके से याद करना आसान है। तो आप एक एक ग्रुप करके या दो दो ग्रुप करके याद करें। अगर पूरा पीरियोडिक टेबल अगर आप नहीं याद करें तो कम अज़ कम ये जिन फैमिलीज़ को हमने डिस्कस किया है, जैसा कि अल्कली मेटल्स के नाम आपको आने चाहिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम आने चाहिए, हेलोजन्स के नाम आने चाहिए, नोबल गैसेस के नाम आने चाहिए, पता होना चाहिए कि लैंथेनाइट सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई, पता होना चाहिए एक्टिनाइट सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई। इसके अलावा जो आज के लेक्चर के अंदर जितने एलिमेंट्स मेंशन थे, जैसे हमने लीथियम को डिस्कस किया है, मैग्नीशियम को डिस्कस किया है, पोटाशियम को, तो इन सब के एटॉमिक नंबर साथ मेंशन है, तो वो एटॉमिक नंबर आपने अच्छे से याद करने हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।